जांजगीर कचहरी चौक में पुलिस पर मनमानी करने और परेशान करने का लगा आरोप। ट्रैफिक रूल तोड़ने का हवाला देकर पहिए पर पुलिस ने लगाया लॉक। जांजगीर कचहरी चौक में पुलिस पर मनमानी करने और परेशान करने का आरोप लगा है। ट्रैफिक रूल तोड़ने का हवाला देकर पहिए पर पुलिस ने लॉक लगा दिया, जिसके बाद कार में सवार परिवार के लोग 2 घंटे तक परेशान होते रहे। कार में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। कार सवार लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे उसी हालत में अन्य कार भी पीछे खड़ी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं रायपुर पासिंग नंबर देखकर एक कार पर कार्रवाई की गई। कार सवारों के मुताबिक 2 घंटे बाद पुलिस लौटी और चालान लिए, फिर पहिए से लॉक खोला गया। महिलाओं ने रक्षित निरीक्षक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दरअसल अकलतरा के दुष्यंत प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ कार में जांजगीर आया हुआ था। उसने कचहरी चौक के पास सड़क किनारे कार को रोकी। पुलिस ने आवागमन बाधित होने और यातायात नियमों को तोड़ने की बात कहते हुए पहिए को लॉक कर दिया। दुष्यंत प्रताप सिंह का कहना है कि वे पेनाल्टी देने को तैयार था, लेकिन रक्षित निरीक्षक ने मनमानी की और पहिए पर लॉक करके चले गए। फिर 2 घंटे बाद आए, तब तक कार सवार परिवार समेत परेशान होते रहा। इधर रक्षित निरीक्षक प्रदीप जोशी ने कहा कि कार हटाने के लिए बोलने पर नहीं हटाया, जिसके बाद पहिए को लॉक किया गया था। दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, पेनाल्टी कार्रवाई की गई है। मामला ये है सर कि मैं आया हूँ, अपनी गाड़ी खड़ी की हूँ, किया हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं भरा सोडा के पास सोडा पीने गया हूँ। मेरी मम्मी बहन सब लोग खड़े हैं, क्योंकि जोशी साहब वो आए हैं मेरे से, गाड़ी में लॉक लगाए हैं। मैं पूछ ही रहा हूँ सर क्या हो गया क्या हो गया, मम्मी लोग को कुछ बोल ही नहीं रहा ना, मेरा बात सुने हैं आप चालान पटाओ। चालान पटाने का ये चालान मेरे पास रसीद है, मैं पटाया भी चालान, में कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे मेरे खड़े करके रखे हैं यहाँ पे, और ना तो गाड़ी का लॉक खोल रहे थे ना कुछ खोल रहे थे। मैं जब आप प्रेस वाले से बात किया हूँ तो जाके मेरा लॉक खोले हैं, तो ये क्या नियम है? क्या मेरी गाड़ी बाहर की नंबर है करके हैं, लोकल नंबर वाले को नहीं किए हैं? मेरे पास उसका फोटो भी है, अब नंबर देखिए मेरा, CG04 है करके वो लॉक लगा के गए हैं, बाकी CG11 वाला कोई लॉक नहीं लगाए हैं। दुर्व्यवहार किया मेरी मम्मी मेरी बहन से। मैं कल सुबह जाऊंगा SP ऑफिस में दिखाऊंगा विजय अग्रवाल सर को, बहुत गंदा व्यवहार किया गया। मेरी बहन गई है सर, हम लोग बगल में खड़े, आप मेरे को बोले हो तो कोई बदतमीजी बात कर रहे हैं, लड़कियों से ऐसा बात करना चाहिए क्या? उनको अधिकारी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कल सुबह SP ऑफिस जाऊंगा और SP ऑफिस में इसका शिकायत करूंगा कि ऐसा मनमानी मेरे को नहीं चाहिए। गाड़ी मेरी साइड में, चलो रोड में एकदम मैं मान गया मैं गलती किया हूँ, मैं गाड़ी नो पार्किंग में लगा दिया, मेरे को बोलते आके ऐसा ऐसा बात है, आप जाके फाइन पटा लीजिए। बदतमीजी करते हैं लड़की लोग के साथ, बात करने का तमीज नहीं है उनको। लड़की बोली है, मेरी बहन बोली है, मम्मी बोल रही है, बहन बोल रही है, देखिए बच्चे छोटे छोटे मेरे घर में आए, बुआ के बच्चे मेहमान आए हैं, सबसे दुर्व्यवहार किया गया, सब बच्चे गए थे, लड़की लोग से दुर्व्यवहार किए गए। ये मेरी दोनों बहन हैं जो बगल में खड़ी है। नो पार्किंग भी पटाया तैयार रहा, लेकिन ओमन का कही से अपन ड्यूटी में भाई, हमने 2 घंटे में खड़े करके गए, हम उनके ड्यूटी नहीं है का, हम उनका उनका घूमे आ रहे हैं 2 मिनट गहन चिल्लाने बोली से आगे हम गाड़ी खड़ा करे रही से, मैं नहीं आग बोली से जाना कौन हम पता इसका हम लोग किया, इसने कर ही के ये सामने हम गाड़ी खड़े इसमें नहीं दिखे, इसका हमें उनके पास गाड़ी दिखी से। नो पार्किंग भी पटाया तैयार रहे हम, तो हम का करी से अपन ड्यूटी नहीं भाई आगे चल गया आ आधन के ओमिर भी जाके हम बात करे हन ओला, फिर भी ओला तमीज नहीं इस बात करके हम लोग इतना बेहुदा टाइप के बात करी से। हाँ चालान भी पटाए तैयार रहे, लेकिन हमारा चालान के कोई वो नहीं है। हाँ चालान पटावा के आगे बोल के अपन मन चल गए स्टेशन के पास, हाँ 2 घंटा खड़े हैं उनके मुँह ताकत की आ तो या हाँ काम धंधा नहीं है का, उसमें बस से काम धंधा उसमें बस अब सरकारी नौकरी पा गए तो उसमें बस का सरकार पावल हम कर नहीं है का कुछ काम के। हाँ दुर्व्यवहार भी करी से एकदम बदतमीजी टाइप के बात करी से, इसमें सरकार मन के वो नहीं है कि बात करे बोल के, थोड़ा प्यार से बात करती कि बच्चा हम समझ जाते हैं हम। दुर्व्यवहार किस टाइप का मुझे समझ में नहीं आया, जो वो कौन है व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं है, उसकी गाड़ियाँ जो रोड के काफ़ी नज़दीक में ये बोल के रही है कि काफ़ी अंदर खड़ी हुई थी, जिससे एक बड़ी गाड़ियाँ निकलने में भी प्रॉब्लम जा रहा था, और अगर उसके बाद वहाँ जाके उनको बोला गया कि आप गाड़ी हटा दीजिए, आवाज़ दिया गया लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, तो उसके वजह से उसकी गाड़ियों में लॉक लगा था, और उनसे बोला गया कि आप नो पार्किंग का आपको फाइन लगेगा, उसके बाद आपका लॉक खुल जाएगा। तो काफ़ी देर तक उन्हें नहा नुकर किया, नहीं खुलवाया, तो हम भी आगे बढ़ गए, और भी गाड़ियां आगे थी जिनको साइड करवाना था, तो फिर वापस आए, तो उसके बाद यहां पर फाइन कटा के गए, उसके बाद उनका लॉक खोला गया। ऐसा कैसे हो सकता है, चालान आप पटाएंगे तो तुरंत खोल दिया जाता है, हम वहां पर गाड़ी को जाम रखने में हमारा ही नुकसान है, फ़ायदा तो है नहीं।
हमारा मेन काम रहता है वो रोड क्लियर करना रहता है, तो वो जितना जल्दी वो फाइन पटाएंगे उतना जल्दी उनकी गाड़ियों से लॉक हटा के गाड़ी को हटाया जा सकता है वहाँ से, तो रोड उतना जल्दी क्लियर हो। सुबह में मैं आपको बताया कि किस टाइप का दूरी हो रहा है, ऐसा तो कुछ किया नहीं है हमने।